वेलकम नमस्ते सस्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान जी। मेरा नाम है बाबर सुल्तान और मेरा नाम है सादिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। एपिसोड 5 है, टू बॉयज आर बोर्न। और पिछली जो हम एपिसोड में देख रहे थे जो कि प्रिंसेस अंबा है वो जाती है भगवान परशुराम के पास और वहां से उसको कुछ नहीं मिलता। आगे की स्टोरी क्या है आइए मिलकर देखते हैं ये वीडियो, फिर उस पर करते हैं अपना आगे। हमारे रिव्यूज जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना तो मत भूलिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। दूंगा आज समग्र सृष्टि में अंधकार छा जाएगा। प्रकट होकर मेरे सम्मुख आओ, भीष्मा आपका आह्वान कर रहा है। अपने पुत्र यम को आदेश दीजिए कि मेरे अनुज के प्राण लौटा दे। ये क्या कर रहे हो? सारी सृष्टि का विनाश करना चाहते हो तुम? सृष्टि से कोई संबंध नहीं है इस समय मेरा सूर्य नारायण। ईश्वर बिना किसी अपराध के मेरे परिवार को दंडित कर रहा है। मेरे पिता मेरे पूर्वजों की आत्माएं अंतरिक्ष में बैठकर ताप रही हैं। कितने स्वप्न और संघर्ष से इस राज्य का निर्माण किया था उन्होंने। क्या भूल की है मैंने, क्या अपराध किया है मेरे पूर्वजों ने? तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मेरे पास भी नहीं है भीष्म, पर अतीत को देखकर मुझे इतना ज्ञान मिला है बस कि मनुष्य का कर्तव्य केवल आज की चिंता करना है, भविष्य को ईश्वर के हाथों में ही रहने दो। भीष्म धैर्य रखो। किस प्रकार धैर्य रखूं सूर्य नारायण?
मेरे देखते देखते कुरुवंश का वृक्ष जल गया। पहले चित्रांगद की मृत्यु हो गई। मैंने और राष्ट्र ने विचित्र वीर पर आशाओं का आधार बनाया और अब वो भी चला गया। क्या होगा इस राष्ट्र का, क्या होगा इस राष्ट्र का सूर्य नारायण, क्या होगा? यदि दुख अधर्म से जन्मता है तो निश्चित ही धर्म ने आज हस्तिनापुर का साथ छोड़ दिया है, मेरा साथ छोड़ दिया है। नहीं, साथ नहीं छोड़ा। हस्तिनापुर की समस्या का उपाय है। हम दोनों के देश मुक्त करने की विधि उनका नहीं हो गया। अपने बालों का श्रृंगार करके अपने पति के प्रेम को स्वीकार करती, किंतु अब तुम्हारे केश सदा श्रृंगार रहित रहेंगे। होते ही स्त्री के हृदय में दुख का युग प्रारंभ होता है। तो जीवन भर चलेगा अश्रुयज्ञ, किंतु वो आग कभी भी बढ़ने मत देना कि जीवन ही भस्म हो जाए। जीवन तो हमारा भस्म हो गया है राजमाता, पर शायद आप इस बात को कभी नहीं समझ पाएंगे। मैं तुम्हारा दुख नहीं समझ पाऊंगी। अपने पति की मृत्यु देखी है मैंने, तुम्हारा दुख नहीं समझ पाऊंगी। मैंने तो अपना पुत्र खोया है। आपने तो संसार का सुख भोगा अपने पति के साथ राजमाता, संतान का सुख पाया। आपके सुख की बात कर रही है राजमाता। हमारी ओर देखिए, ना पति का सुख ना संतान का सुख। काशी की राजकुमारियां अब हस्तिनापुर की आश्रित भिक्षार्थी बन गए। क्यों राजमाता? ना तो तुम दोनों यहां आश्रित हो, ना ही भिखारी।
कि मेरा वचन है तुम दोनों से, तुम्हारे पुत्र सिंहासन पर अवश्य बैठेंगे। हमारे पुत्र, हमें पुत्र किस प्रकार प्राप्त हो सकते हैं? अब तुम दोनों को संतान की प्राप्ति होगी नियोग के माध्यम से। किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाए और कोई उत्तराधिकारी ना हो तो किसी तपस्वी ऋषि के माध्यम से पुत्र प्राप्त किया जा सकता है। इसे नियोग कहते हैं। और मैंने अपने तपस्वी पुत्र वेदव्यास को नियोग विधि के लिए निमंत्रण दे दिया है। नियोग? ये निर्णय लेने से पूर्व आपने हमसे पूछना भी अनिवार्य नहीं समझा कि हमें नियोग का मार्ग माने है भी या नहीं? क्या बात है जी, युवराज साहब तो चले गए हैं, जो जिनको किस तरह राजमाता बनाना चाहती थी, युवराज जिसके लिए सारा सिंहासन पर बिठाना चाहती थी, कष्ट उठाया था, लेकिन वो तो अब रहा नहीं। वो बेचारी वो विधवा हो गई है बगैर किसी शादी विवाह, और सिर्फ यही कि उनका विवाह होना है और उनका जीवन तो स्वागन होने से पहले विधवा हो गई। लेकिन उधर भीम ने सूर्या नारायण से सीधा ही माथा लगा लिया कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन उन्होंने भी कहा है कि इसका उपाय है। अब उपाय है क्या ये तो आगे जाके पता चलेगा, लेकिन अभी के लिए तो बहुत ही कोई होगा क्या, और आगे क्या होने वाला है, हसीनापुर के साथ भी क्या होने वाला है, और ये किस तरह से स्टोरी अपना कैसे? बिल्कुल ऐसे ही है। देखेंगे, वो कह रहे हैं कि आपको पुत्र प्राप्त होंगे, लेकिन पता नहीं कैसे होंगे। ये तो आगे बजाने पर अपना एक और कोई नियम धरती पुत्र पता नहीं वो कौन सा है, लेकिन वो जैसे ही सामने आएगा पता चल जाएगा। बिल्कुल जी, आप देखिए कि ये सारी चीजें, ये सिचुएशन देखिए कैसे चेंज हो रही है और किस तरीके से हो रही है। कैसे बिल्कुल जी, वो कृष्णा जी ने जैसे लास्ट में कहा था कि जो आप सोचते हैं, रणनीति जो आप बनाते हैं उस तरह से नहीं होता, आपकी ख्वाहिशों में नहीं होगा, आपको हर कदम पर रणनीति जो है वो दोबारा से बनानी पड़ेगी और उस हिसाब से चलना पड़ेगा जिस हिसाब से आपको चलाया जाएगा। यहाँ पे जो है ना, पहले तो उन्होंने वो जो भीष्म जी जो है उनको जीत के लाते हैं, ये उनके लिए एक चीज थी। फिर जब उनको युवराज के साथ दिया जा रहा है, और ऐन उसी वक्त जब उनको जो है ना वो तैयार किया जा रहा था, और तैयार होने के बाद उनको जो है ना वो अटैक होता है और वो चले जाते हैं, और फिर वो विधवा हो जाती है, और आगे से फिर डिसीजन लिया जाता है। राजमाता बिल्कुल वो अपने जो है ना उसके लिए सिंहासन के लिए सारा कुछ कर रही है। बिल्कुल देखिए आगे चलकर इसमें क्या होता है, किस तरीके से ये सारा कुछ होता है, तो बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बन चुकी है। बिल्कुल इंटरेस्टिंग स्टोरी बन चुकी है। वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।